हेलो फ्रेंड, हम बात करेंगे इंफिनिक्स हॉट 10 RMX RX है 682, जिनका चार्जिंग काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग का कनेक्टर है, यानी यहाँ पे हमें 5 वोल्ट का सप्लाई स्ट्रिप पे चेक करना है। यानी कि स्ट्रिप पे आप चेक करोगे तो आपको एक BQIC लगी हुई है। तो BQIC से आप यदि कोई हमारा BQIC तक हमारा कोई लाइन शॉर्ट है तो उस लाइन को हमें ट्रेस करना है। तो हमारा OVPIC जो होता है वहाँ से इस IC तक हमारी लाइन ओके होनी चाहिए। यहाँ तक हमें 5 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए। यदि यहाँ तक 5 वोल्ट का आउट इनपुट में हो रहा है तो आउटपुट में हमें VPH पावर मिलना चाहिए। और यदि VPH पावर मिल रहा है तो हमारा बैटरी कनेक्टर पे हमें VBAT का लाइन को चेक करना है। यहाँ लगे हुए बैटरी कनेक्टर के टिप्स पे हमें वोल्टेज को चेक करना है और GR को भी चेक करना है। यदि एक एक चीज समझेंगे और दूसरी जो हमारी पावर्स है बैटरी आएगी, ये एक रजिस्टर के थ्रू ये हमारा लाइन है, ये भी हमारा ओके होना जरूरी है। यदि ये लाइन हमारा ओके नहीं है तो भी हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा। और दूसरा जो हमारा एक CPU है सिग्नल के तौर पे, जो ये वाली लाइन यानी जो दूसरी लाइन है जो बैटरी कनेक्टर से हमारा डायरेक्ट CPU से ही कनेक्ट रहता है, यानी कि वो भी लाइन ओके होना चाहिए। और हमारा जो दो लाइन है DMDP यानी डाटा ट्रांसलेट का जो काम करता है वो चार्जिंग सेक्शन से ही कनेक्ट होता है, तो वो वाली लाइन भी हमारा ओके होना जरूरी है। यदि ये वाला लाइन हमारा ओके नहीं है तो भी हमारा चार्जिंग के ही फोनों में चार्जिंग के लिए दिक्कत देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।